हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। कैसे जुड़े हुए हैं और क्या किरदार निभा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं प्रोजेक्ट को लेकर? सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस फिल्म में मेरा रोल है एक गांव की लड़की, सिंपल सी लड़की, चुलबुली लड़की, उस टाइप का कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया। बहुत कॉमेडी है इस फिल्म में। आपके डायरेक्टर बता सकते हैं क्या कहना चाहेंगे इतने काबिल डायरेक्टर के साथ काम? मेरा डायरेक्टर तो थोड़े दुबले हैं। हाँ, ये जब 14 साल का था तभी ये डायरेक्शन में इंटरेस्ट था, तब से अपलोड हो गया एंड अभी ये 24 का है, 10 इयर्स ये इसी में लगा हुआ है एंड ही इज वेरी टैलेंटेड। शायद टैलेंट के वजह से खाने पीने का टाइम नहीं मिलता होगा, उस दिन उसका दिमाग रहता होगा। तीसरा जी, किस तरह का ये जॉनर है, क्या है मतलब उसका बेसिक जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फिल्म का नाम है आँख में चोली। ये बेसिकली इसमें कॉमेडी ज़्यादा है एंड एक्शन भी है, कॉमर्शियल है, सब कुछ मिला जुला के एक फैमिली परिवार के साथ देखने लायक, जो कि भोजपुरी में सारे फिल्म आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत वो रहता है, बट इसमें आप एकदम से फैमिली में बैठ के देखने वाला देख सकते हो, वैसा फिल्म बनाया गया है। एंड इस फिल्म के जो DOP है उनका नाम दिव्य राज जी है एंड ये मेरा डायरेक्टर है, इसका नाम एनआर घिमरे है। ये लोग नेपाल के, काफ़ी टाइम से भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लोग घुसने की कोशिश करने का स्ट्रगल कर रहे थे। जब मैंने इनको देखा तो मुझे नहीं लगा था कि इतना पतला दुबला आदमी में इतना टैलेंट है, बट इतना ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, इतने क्रिएटिव लोग हैं एंड आई थिंक कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदलने वाली है बिकॉज क्रिएटिव पीपल इज कमिंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम नेपाल एंड फ्रॉम आउट ऑफ मुंबई एंड आउट ऑफ मुंबई तो आते ही थे, बट आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन भोजपुरी इंडस्ट्री। सर, आपने जो इतनी कम उम्र में आप डायरेक्ट करने की फिल्म को बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और इसके कलाकार के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में? नीचे ना, माइक नीचे ना, जोर से बोलिए सर, थोड़ा जोर से बोलिए। चाहता हूँ आँख में चोली एक अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा भोजपुरी से थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। आँख में चोली में ऑडियंस के साथ और ऑडियंस के साथ ही खेलना चाहता हूँ। इस फिल्म में जैसे तुषार गोगोई और आकाश सिंह, अमित त्रिवेदी, अंजलि श्री, नेहा, उसके बाद माया यादव, संजय वर्मा, समर चतुर्वेदी, बालेश्वर सिंह, सब आर्टिस्ट पिक्चर है। एक फुल इंटरटेनमेंट, एक फुल फैमिली ड्रामा, इसमें ग्लैमर सब्जेक्ट ग्लैमर है लेकिन प्रेजेंटेशन एकदम साफ है, फुल इंटरटेनमेंट, एक इंटरटेनमेंट पैकेज है। आपकी एक्ट्रेस के बारे में बताइए, जी के बारे में, आपके साथ हैं के बारे में क्या बोलूँ, एक क्या बोलूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, आप देखिए सिनेमा में बहुत अच्छा काम किया है, एक्टिंग की चीज़ें मुझे निकालने की प्रयास किया हूँ, कोशिश किया हूँ, गाना भी बहुत अच्छा है, जगह में जाकर इतना मेहनत ना हार्ड वर्क जो करता है उसका जो चीज़ दिखता है बहुत अच्छी है। तो नेपाल में भोजपुरी कितना लोकप्रिय है और आपके माध्यम से कितना लोकप्रिय होने वाला है? भोजपुरी ऑलरेडी भोजपुरी का 13 स्टेट 13 टेरिटरी है वहाँ पर, जहाँ पर नेपाल में अभी भी अच्छा मार्केट है। काठमांडू में पवन सिंह का सरकार राज पिक्चर रिलीज हुआ था। हाल ही में रितेश पांडे जी ने खेसारी का आरोप लगाया कि उन्होंने गाना चोरी किया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी गलत बात है ये इतने बड़े स्टार के? ये मैं उन्हीं का कल वीडियो देखा था, मैं रितेश जी ने जो इंटरव्यू डाले थे मैं देखा था, उनके हिसाब से वो जिस दिन उन्होंने गाना रिकॉर्डिंग किया वो बोले थे कि गाना जिस दिन रिकॉर्ड किया उस दिन का डेट, जो चीज़ बोले उनके पास सब सबूत है, तो एक चीज़ थोड़ा गलत ही हो सकता है। अभी इसमें क्या बोलूँ, अब दोनों का मैटर क्या है सर लोगों को पता है, तो किससे नाराज़ हैं, नाराज़ हैं? नहीं, किसी के साथ थोड़ा नाराज हूँ, आगे काम करना है, दोनों अच्छा एक्टर है। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।